नमस्कार, मैं हूं विद्या सागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आर्थिक मदद की मांग को लेकर पाक आईएमएफ से मदद की गुहार के लिए झोली फैलाए खड़ा है। इस बीच पाकिस्तान की मदद को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सुर्खियों में है। देखिए क्या कहा है एस जयशंकर ने। बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। लोग जरूरतों की चीजों के लिए मरने मारने पर आमदा हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन हालातों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उसे निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की मदद को लेकर बयान दिया है। पाकिस्तान के हालातों पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी बदहाली के लिए खुद ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुसीबतों का हल खुद ही निकालना होगा, क्योंकि कोई भी देश एक दिन में इन हालातों तक नहीं पहुंच जाता है। इन हालातों के लिए भी वो ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारतीय सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत से मदद की कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान के हालातों को लेकर भी कुछ बातें साफ की। उन्होंने दोनों के हालातों में भिन्नता बताते हुए साफ किया कि दोनों ही देशों से भारत के संबंध अलग तरीके के रहे हैं। श्रीलंका से भारत के रिश्ते आज भी अच्छे हैं। आपको बता दें, भारत ने श्रीलंका की आर्थिक संकट में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की थी। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की कोई तुलना नहीं है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान के हाल काफ़ी बदतर हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतों में 8.82%, खाना पकाने के तेल में 8.65%, घी में 8.02%, चिकन की कीमतों में 7.49% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सालाना महंगाई दर 38% के पार पहुंच चुकी है। आईएमएफ से 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए उनकी शर्तों को पूरा करने के लिए शहबाज सरकार ने बड़े पैमाने पर टैक्स लगाए और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया है, जिसके बाद वहां की जनता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आलम यह है कि लोग भूखे पेट रहने को मजबूर हो चुके हैं। बहरहाल, बहुत कम लोग इस बात से इनकार करेंगे कि पाकिस्तान इन हालातों का जिम्मेदार खुद ही है। भारत को आतंकवाद और सभी मोर्चों पर घेरने वाला पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिर गया है। विश्व में उसकी साख तो पहले से ही खराब हो चुकी थी, जिसके बाद अब उसके अंदरूनी हालात भी बदतर हो गए कि उसके वैश्विक संस्थानों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि ये नए दौर का भारत है, जो जैसे को तैसा वाली कहावत पर अमल करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।